प्रियंका चोपड़ा ने अपना काफी समय खर्च किया और बड़ी बड़ी बातें की, उसी विदेशी फिल्म की समीक्षकों ने धज्जियां उड़ा दी। रिवॉच कई देशों में प्रदर्शित हो गई है, जबकि भारत में इसे 2 जून को प्रदर्शित किया जाएगा। चूँकि फिल्म को लेकर समीक्षकों ने नकारात्मक बातें लिखी है, लिहाजा भारत में इस फिल्म का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। इस फिल्म समीक्षक ने लिखा है कि ये शर्म की बात है कि एक अच्छी स्टार कास्ट को लेकर घिसे पिटे चुटकुले सिटकॉम के 2 दर्जे के प्लॉट डाले गए हैं और एक अच्छा मौका गवा दिया है। वैरायटी ने लिखा है कि 25 वर्ष पुराने टीवी शो का अश्लील रूपांतर कर अपमान किया गया है। ये फिल्म मूर्खतापूर्ण है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेवॉच को बेजान और मूर्खतापूर्ण करार दिया है। ज्यादातर समीक्षाओं में प्रियंका चोपड़ा के अभिनय की बुराई भी की है। ये सारी आलोचनाएं भारतीय दर्शकों तक पहुंच गई हैं। इससे फिल्म का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड मूवी खास नहीं कर पाई थी और अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका की फिल्म के लिए भी राह जरा मुश्किल हो गई है।